Shit, just not it. वेलकम बैक रॉकर्ट्स, आज हम लाए हैं एक नई सीरीज का पहला पार्ट जिसका नाम है डिवाहोमा। कहानी है वर्ष 2140 की और जगह है रशिया। अब इस पृथ्वी पर ज्यादातर औरतें ही रहती हैं और उन्होंने इस दुनिया को एक अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी बना दिया है। वे भीड़ भाड़ से दूर गांव में रहती हैं, जहां हर परिवार के पास अपना एक विला है। टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में एआई हाउसकीपर घर का सारा काम संभाल लेता है, यहां तक कि वो ओनर का टेम्परेचर मेजर करता है, उसका खाना बना देता है और मूड के अनुसार मूवीज और शोज भी प्ले करता है। वो अपने ओनर के लिए नई ड्रेसेस भी डिजाइन करता है। पृथ्वी पर मर्द जात लगभग लापता हो चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया में नफरत, वायलेंस और युद्ध का नामो निशान मिट चुका है। चारों ओर शांति फैली हुई है और इस जगह की औरतें 150 साल तक की उम्र तक जिंदा रहती हैं। इस कहानी को देखकर तो लगता है कि इससे पहले आदमी ही औरतों की उम्र को कम कर रहे थे। और ये है सीरीज की हीरोइन लीजा। लीजा की उम्र है 50 साल और वो एक लोकल स्कूल में हिस्ट्री टीचर है। एक दिन सुबह न्यूज में दिखाते हैं कि एक औरत अपने हक के लिए लड़ रही होती है। उसकी मांग यह है कि औरत को आदमी के साथ मिलकर रहना चाहिए और नेचुरल तरीके से गर्भ धारण करना चाहिए, न कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। लीजा उस न्यूज को इग्नोर करके अपने काम पर चली जाती है। इस दुनिया में हर तरफ एआई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। औरतें मिलजुल कर रहती हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। जगह जगह फूड स्टॉल्स होते हैं जहाँ फ्री फूड मिलता है। औरतें सारा काम आसानी से कर पाती हैं, लेकिन इन डिसिप्लिन के लिए उनके सोशल पॉइंट्स काट दिए जाते हैं। जैसे अगर गलत गार्बेज बिन में कचरा डाल दिया जाए तो उसके सोशल पॉइंट्स काट दिए जाते हैं। यहाँ सोशल पॉइंट्स ही करेंसी है। अगर कोई अच्छा काम करती है तो उसे फ्री सोशल पॉइंट्स दिए जाते हैं। लीजा की क्लास एक स्पेस शटल जैसी दिखती है और अंदर जाती वो एक वीडियो के द्वारा स्टूडेंट्स को मानवता का इतिहास पढ़ाती है। वो बताती है कि प्राचीन समय से ही मर्द मानव समाज पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। अपनी ताकत बनाए रखने के लिए उन्होंने दुनिया में नफरत और हिंसा फैलानी शुरू कर दी और दुनिया की शांति नष्ट हो गई। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी और ओजोन लेयर धीरे धीरे मिटने लगी। वो बताती है कि ये सब मर्दों की गलती थी। फिर साल 2030 में यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच टकराव हुआ, जिससे दुनिया का पासा पलट गया। नॉर्थ कोरिया के कुछ साइंटिस्ट ने एक खतरनाक वायरस पैदा किया जिससे वे यूएस आर्मी को मिटा देना चाहते थे, लेकिन वो वायरस दुनिया भर में फैल गया और दुनिया के 99% मर्द मारे गए। और जब से औरतों ने दुनिया का अधिकार संभाला है, उन्होंने धीरे धीरे मर्दों की हर गलती को ठीक किया। पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगी और सारे जीव जंतु धीरे धीरे पहले की तरह पनपने लगे। इस तरह दुनिया फिर से खुशहाल हो गई। वीडियो के एंड में ये दिखाया जाता है कि अब पृथ्वी पर प्रीमेट्स यानी मर्द पैदा ही नहीं होते, और अगर गलती से पैदा भी हो जाते तो बड़ा होते ही उनको एक ऊबड़ खाबड़ जगह में भेज दिया जाता जहाँ टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इस नई दुनिया में मर्दों को असभ्य और बेवकूफ माना जाता है, जो साफ सुथरा रहना जानते ही नहीं है। उनके सिर्फ दो इंटरेस्ट है, एक है यौन संबंध और दूसरा है वायलेंस। अब लीजा स्टूडेंट को एक दीवार के पास लेके जाती है जिसके उस तरफ कुछ बस्तियां होती है। फिर हमें एक ऐसी बस्ती दिखाई जाती है जहां मर्द रहते हैं, उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती और वे सीधी सादी जिंदगी जी रहे होते हैं। वहां कुछ औरतें भी होती हैं जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और एक सिंपल लाइफ चाहती हैं। इस बस्ती में गेरा नाम का एक आदमी होता है जो अभी तक वर्जिन है और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है अपनी वर्जिनिटी खोना। पर वो बस्ती के लोगों की बहुत मदद करता है। वहाँ बैरोन नाम का एक तगड़ा आदमी होता है जो खुद को बस्ती का लीडर समझता है। उसे औरतों का राज बिल्कुल ही पसंद नहीं होता और वो इस सिस्टम के खिलाफ बगावत करना चाहता है। वो भाषण देता है कि कई सौ साल पहले जब औरतों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था तो उन्होंने मर्दों के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव करना शुरू किया था, लेकिन मेरे परदादा के जमाने में उन्होंने औरतों की हिफी सोसाइटी को छोड़ दिया और कई ऐसी बस्तियां बनाई जहां औरत और मर्द एक सिंपल और नॉर्मल लाइफ बिता सके। कुछ औरतें भी उनके साथ यहाँ पर चले आई और बस्ती के लोग बहुत ध्यान से उसकी ये बातें सुन रहे होते हैं। इतने में लीजा अपने स्टूडेंट को वहाँ ले आती है और वहाँ के मर्दों को तो वो जू के एनिमल्स की तरह उनको दिखाती है। मर्द इससे बड़े आग बबूला हो रहे होते हैं। लीजा और उसकी स्टूडेंट मारिया एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाती है। तब गेरा वहां पर आता है और उन्हें छुपाने की कोशिश करता है और टेंशन में वो लीजा को ही किस कर देता है। अब लीजा बड़ी टेंशन में अपनी विसल बजाती है और गेरा घबरा जाता है। इतने में दूसरे मर्द सभी लड़कियों को घेर लेते हैं। अब बैरोन स्लैब कॉम्पिटिशन रखता है और कहता है कि जो जीतेगा वो लड़कियों के साथ रात बिताएगा। अब इन्हें बचाने के लिए गेरा कॉम्पिटिशन में भाग लेता है, पर उसका मुकाबला जायंट नाम के एक बॉडी बिल्डर से होता है। पर जब वो स्लैब करने जाता है तो गेरा झुक जाता है और बैरोन को मार पड़ती है। फिर मौका पाकर लेजा और उसके स्टूडेंट्स अपने शटल की ओर भागते हैं और गेरा अपने दादा के घर की ओर भागता है। अगले सीन में एक शटल अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए चेक पॉइंट पर रुकता है। जब शटल चलने लगता है तो एक बैटरी कंटेनर से अचानक गेरा निकलता है। अब ये देखकर शटल ओनर जूलियस बिल्कुल चौंक जाता है।
जूलियस एक सीड कीपर है जो मर्दों का सीमन स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर औरतों में इसको सप्लाई करता है। हालांकि सीड कीपर्स मर्द हैं, फिर भी उन्हें औरतें बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। जूलियस का कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए उसे गेरा बहुत पसंद आ जाता है और वो गेरा को अपने साथ रहने को कहता है। फिर गेरा उसे मूनशाइन नाम की एक ड्रिंक देता है। जूलियस कुछ ज्यादा ही उसको पी लेता है और नशे में चलते हुए शटल से बाहर कूद जाता है। अब बैरोन और उसके आदमियों से बचने के लिए गेरा जूलियस की ड्रेस पहन लेता है और नया सीड कीपर बन जाता है। कुछ देर में शटल टू हिल्स नाम की जगह पर पहुंचती है जहां पर एक इनविजिबल नाका खुलता है। वहां एक खूबसूरत लड़की गेरा को सिटी के टूर पे लेके जाती है। रास्ते में औरतें उसका स्वागत करती है। लीजा भी वहीं पर होती है लेकिन वो गेरा को नोटिस नहीं करती। फिर रात को गेरा लाइव टीवी के सामने एप्पल खाता है और शपथ लेता है कि मैं ऐसे बीज आपको सप्लाई करूंगा जिससे आप हेल्दी और स्मार्ट बेबीज पैदा कर सकेंगी। फिर उसे आराम करने के लिए एक चैम्बर में ले जाया जाता है, पर वो तुरंत काम शुरू करने की जिद पकड़ लेता है, इसीलिए उसे रिप्रोडक्शन चैम्बर में लेके जाते हैं। वहाँ 50 साल की एक औरत जिसका नाम बर्टा है, वो उसे चैम्बर में लिटाती है और एक पाइप से उसका सेमन निकालती है। वो लीजा के बारे में सोचता है और फिर शांत हो जाता है। वहाँ लीजा भी गेरा के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन गेरा को रिप्रोडक्शन बेस में लेके जाते हैं जहाँ खूबसूरत औरतें सीड कीपर की सेवा कर रही होती है। उन्हें तरह तरह के डिशेज खाने को दिए जाते हैं और उन्हें खुश रखा जाता है। इसी बीच गेरा रेस्टरूम में जाता है लेकिन तब अलार्म बजने लगता है क्योंकि गेरा लीजा के बारे में सोच रहा था और टू हिल्स में किसी औरत के बारे में सोचना मर्दों के लिए मना है। वहां लीजा उसकी माँ पॉलिनिया और दादी ओनिया लोकल कोर्ट में होती है क्योंकि लीजा की स्टूडेंट मारिया ने ऑफिशियल्स को बता दिया था कि लीजा उन्हें गंदी बस्ती में लेके गई थी और मर्दों ने उनको पकड़ भी लिया था, इसलिए इन पर केस चला जाता है। अब लीजा बड़ी नर्वस होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड टोनिया को बताती है कि एक आदमी ने तो मुझे किस भी कर दिया था। टोनिया कहती है कि ये बात तुम किसी को मत बताना। मारिया की मॉम विवियन एक लीगल एडवाइजर है। वो आर्ग्यू करती है कि सारा दोष लीजा का है, पर लीजा कहती है कि मारिया खुद बस्ती में जाना चाहती थी और इस बात को प्रूव करने के लिए वो अपने AI से एक वीडियोस भी दिखाती है। इससे साबित हो जाता है कि लीजा बेकसूर है, लेकिन इसी बीच टोनिया सबको बता देती है कि लीजा को बस्ती में एक आदमी ने किस किया था। अब ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं और जज लीजा को ये सजा देती है कि उसे 80 घंटे सोशल सर्विस करनी पड़ेगी। अब सच बताने के लिए टोनिया को 20 सोशल पॉइंट्स दिए जाते हैं। जूलियस किसी तरह बचकर बस्ती में चला जाता है जहां गेरा के दादाजी उसकी मदद करते हैं और कहते हैं तुम्हें अपनी पहचान छुपाकर रखनी होगी। जूलियस मान जाता है और बैरन से मिलने जाता है, पर बैरन उसको चिढ़ाता है और उसकी उंगली मरोड़ देता है। फिर जूलियस का हेयर कट किया जाता है जिससे वो बहुत ही स्मार्ट दिखता है। तभी एक औरत उससे अट्रैक्ट होकर उसकी उंगली का इलाज करने को तैयार हो जाती है, पर बैरन ये सब नोटिस करता है और जायंट से कहता है कि इस नए आदमी को ठोक दो। फिर जायंट जूलियस को स्लैब कॉम्पिटिशन के लिए ललकारता है। कॉम्पिटिशन की सारी तैयारियां हो चुकी है और लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहले जायंट जूलियस को अपनी पूरी ताकत जुटाकर थप्पड़ मारता है और जूलियस गिर जाता है, पर वो तुरंत उठता है और जायंट को ऐसा तमाचा मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। यहाँ बर्टा सभी सीड कीपर्स को बाहर लेके आती है। गेरा यहाँ के रोल से बड़ा तंग आ चुका है क्योंकि फार्ट करने के लिए भी सीड कीपर्स को बर्टा की परमिशन लेनी पड़ती है और एक अलग चैम्बर में जाना पड़ता है। फिर उन्हें गीटा थनबर्ग नाम की एक औरत के स्टैचू पर लेके जाते हैं जो टू हिल्स की देवी मानी जाती है, और जब बाकी लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं तो गेरा अपने कुछ साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए सिरशोर पर चला जाता है। दूसरे सीड कीपर देखते हैं कि गेरा ने अपने पैर शेव नहीं किए हैं और ये टू हिल्स में अलाउड नहीं होता। ऊपर से गेरा के पास लाइटर भी होता है जो टू हिल्स में डेंजरस वेपन माना जाता है, लेकिन वे उसका खुलासा करने के बजाय उसे अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। वे सब मिलकर मछलियां पकड़ते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अचानक वहां फायर अलार्म बजने लगता है और वे पकड़े जाते हैं। इस जुर्म की सजा के तौर पर उन्हें एजुकेशन सेंटर के टूर पर ले जाया जाता है। अगले दिन गेरा को पता चलता है कि आज उसका मसाज लीजा करने वाली है। लीजा को पनिशमेंट के तौर पर यहाँ भेजा गया है। अब एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत ही शॉक होते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। अब पनिशमेंट के लिए चारों सीड कीपर्स को एजुकेशन सेंटर ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए कई प्रेजेंटेशन दिखाए जाते हैं जिनमें बताते हैं कि मर्द ताकतवर है इसलिए उन्हें हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। लीजा और ओनिया भी वहां पर होती हैं और वे गेरा की हरकतें देखकर बहुत ही हंसने लगती है, लेकिन ओनिया जरा ओल्ड फैशन्ड है और टू हिल्स के रोल्स को नहीं मानती। गेरा उसको बहुत ही क्यूट लगता है और वो लीजा से कहती है कि गेरा सीट के पर नहीं है, ये बात तुम किसी को मत बताना। शाम को वापस लौटकर गेरा अपने साथियों को बताता है कि यौन संबंध के बारे में सोचना गुनाह नहीं है, आज हमें जो कुछ बताया गया वो सब झूठ है। ये सब सुनकर एक सीट कीपर लीजा को अनड्रेस करने को कहता है। अब इससे पहले कि कुछ हो जाए गेरा उस सीट कीपर को बाहर भेज देता है। लीजा गेरा को थैंक करने की बजाय कहती है कि 30 मिनट के अंदर अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम सीट कीपर नहीं हो।
यहाँ बस्ती में जूलियस के कई फैंस हो जाते हैं। इस बात से चिढ़कर बैरन अपने राइट हैंड मैन रेड को ऑर्डर देता है कि जूलियस को खत्म कर दो। जूलियस और बैरन के आदमी एक पुराने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर कुछ चीजें इकट्ठा करते हैं। जूलियस वहां से कुछ खाने के ऐसे आइटम्स ढूंढता है जिससे उसके साथ ही बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि ये सब खाने के आइटम्स होते हैं। फिर वे द स्क्विरल्स नाम के ग्रुप से भिड़कर बैरन के आदमी को बचाता है और इन बातों से इंप्रेस होकर वे जूलियस को फिर से बस्ती में जाने का फैसला करते हैं। फिर दिखाते हैं कि लीगल एडवाइजर विवियन का बैरन के साथ अफेयर चल रहा है। अगले दिन विवियन सीड कीपर की फोटोज को देखती है तो पता चलता है कि जूलियस मिसिंग है। बैरन ने उसे ये भी बताया था कि उनमें से एक सीड कीपर नकली है और वो असल में बस्ती का एक आदमी है। ये जानकर विवियन अपने असिस्टेंट को बुलाकर पूरी कॉलोनी को इस बारे में अलर्ट करने को कहती है। अब इससे घबराकर गेराल्ट टू हिल से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन इनविजिबल नाका उसको रोक देता है और इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अब और कोई रास्ता ना पाकर वो कॉलोनी में लौट आता है। वो लीजा से मदद मांगता है लेकिन लीजा उसको इग्नोर कर देती है, पर गेरा उसको याद दिलाता है कि मैंने बहुत बार तुम्हारी मदद की है। इस पर लीजा मान जाती है और इतने में पुलिस फोर्स उस जगह को घेर लेती है। तब लीजा और गेरा वहां से भाग निकलते हैं लेकिन टोनिया उनको देख लेती है। बैरन बस्ती की बार में ड्रिंक करने आता है तो जूलियस को जिंदा देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो रेड को डांटता है कि तुमने जूलियस को क्यों नहीं मारा, तो रेड कहता है कि जूलियस अच्छा आदमी है और उसने हमारी जान बचाई थी। इनकी आर्ग्यूमेंट के बीच जूलियस आकर कहता है कि यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है, सबको अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए। बार में बैठे लोग भी जूलियस को सपोर्ट करते हैं। उसकी बात मानकर बैरन उसे अपने घर बुलाता है और वे अपने ओपिनियंस डिस्कस करने लगते हैं। जूलियस चाहता है कि हर इंसान आजाद जिंदगी जिए, पर बैरन सबको अपने पैर तले दबाकर रखना चाहता है। आखिर दोनों इलेक्शन रखने का फैसला करते हैं और जीतने वाला ही बस्ती का लीडर होगा। जूलियस के जाने के बाद बैरन रेड को बुलाकर कहता है तुम भी इलेक्शन में खड़े हो जाओ ताकि वोट बढ़ जाए, इससे जूलियस के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर रात को वोटिंग शुरू होती है और बस्ती के लोग वोट करते हैं। जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है बैरन को सिर्फ एक वोट मिलता है, लेकिन शौक तो तब लगता है जब रेड 18 वोट से इलेक्शन जीत जाता है। जूलियस को भी 16 वोट मिले होते हैं, इससे पता चलता है कि लोग अभी भी जूलियस पर पूरा विश्वास नहीं करते। अब लीजा गेरा को घेर लेती है। ओनिया चाहती है कि गेरा यहाँ से बचकर निकल जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ प्लान कर सके विवियन के असिस्टेंट तलाशी लेने आ जाती है, लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही ओनिया लीजा गेरा और अपने पैड को कबर्ड में छुपा देती है। अब हमें बताया जाता है कि टू हिल्स में पैड रखना भी इलीगल है। असिस्टेंट अंदर आकर गेरा और लीजा को ढूंढती है क्योंकि वो दोनों इलीगली यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो ओनिया को वार्न करती है कि चुपचाप उन दोनों को हमारे हवाले कर दो, लेकिन ओनिया कुछ नहीं बताती। अब असिस्टेंट जाने वाली होती है कि कैट कबर्ड के अंदर से चीखता है और इससे पहले कि असिस्टेंट विवियन को इन्फॉर्म कर सके ओनिया उसके सर पर मारती है और उसको बेहोश कर देती है। अब ओनिया अपना मोटरसाइकिल गेरा को देती है और कहती है कि इसमें 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाओगे तो इनविजिबल नाके को चीर कर निकल जाओगे। फिर वो लीजा को भी गेरा के साथ जाने को कहती है क्योंकि यहाँ के कानून की आंखों में वो भी अब एक मुजरिम है। अब गेरा और लीजा मोटरसाइकिल पर तेजी से निकलते हैं। गेरा 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी ज्यादा तेज की स्पीड से निकलता है और इनविजिबल नाके को चीर कर आगे निकल जाता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से बाइक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और दोनों के ड्रेसेस फट जाते हैं। लेकिन वे अपने बैग से नए कपड़े निकाल कर पहन लेते हैं और आग के पास ही सो जाते हैं। अगली सुबह गेरा एक स्क्वायर को पकड़कर उसका ब्रेकफास्ट बनाता है। लीजा ने तो आज तक सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाए होते हैं और उस पके हुए जानवर को देखकर वो चीखने लगती है। तभी कुछ आदमी उसकी आवाज को सुन लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ सीरीज का पहला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो कमेंट करके बताइए, उसके बाद ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।